Hello everyone, good morning all of you. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of An Academy, and I welcome all of you to my today's YouTube class of newspaper analysis. Hello ji, hello, kaise ho sab log? How are you all? Doing good? Are you doing fine, guys? Alright, so this session happens regularly from Monday to Saturday, 10:30 to 11:15. And today it is Monday, ka din, 21st of February. And I'm back again with the newspaper analysis session. Aaj maine liya hua hai Delhi edition, guys. Aur ye jo Delhi edition hai, बेसिकली इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आज सारे देखेंगे एक एक करके. ओके, सो ये सेशन जो बेसिकली है, दिस इज़ यूजफुल फॉर ऑल दी लॉ एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स. सो इफ यू गाइज आर अपियरिंग फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, क्लैट, एलेट, एलसेट, स्लैट, एमएचसीटी, ड्यू एलएलबी, ब्लैट, तो ये आपको सेशन बहुत काम लगे वैसा है. In and in case if you are appearing for any other entrance exam than law, like UPSC or banking exams, तो भी ये session काफ़ी helpful होगा आपको in preparing your current affairs. Okay, so आपके current affairs prepare करने में ये काफ़ी help कर सकता है आपको. So this I talked about current affairs. Now talking about current affairs, I would like to tell that current affairs is something very very vast. You can be asked current affairs from anywhere. Okay, कहीं से भी उठा के आपको current affairs पूछ सकते हैं. तो ये ध्यान में रखते हुए current affairs को आपको regularly update करना ज़रूरी है. Current affairs is not something you can accumulate and read it later and I will study it later, ऐसा नहीं सोच सकते हो. Current affairs आपको रोज़ रोज़ अपडेट करते रहना होगा, that is like very very important. ठीक है, तो ये एक बढ़िया से वे में आप मेक श्योर करना कि आप करंट अफेयर्स रोज़ अपडेट करो. ठीक है, एंड यही बढ़िया तरीका रहेगा करंट अफेयर्स को पढ़ने का, रोज़ इसे अपडेट हो जाना चाहिए. अच्छा, अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये सेशन से सिर्फ करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में हेल्प नहीं मिलेगा, उसके अलावा इवन इंग्लिश सेक्शन में और लीगल रीजनिंग सेक्शन में भी हेल्प मिलेगा. ठीक है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर का लैंग्वेज इज़ रियली नाइस. तो द हिंदू न्यूज़पेपर की लैंग्वेज इतनी अच्छी है तो वोकैबुलरी डेवलप होगी इंग्लिश के लिए, रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होगी, और इसके अलावा लीगल रीजनिंग एंगल से कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो भी ये सेशन में मैं बताती रहती हूँ. तो आपको उस सारे तरीके से ये सेशन बहुत हेल्प करेगा, इंग्लिश, लीगल, करंट अफेयर्स, ये सब प्रिपेयर करने के हेल्प करने वाला है. ओके, एंड अपडेटेड रेगुलरली. अपडेट रेगुलर करने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, हमारी चैनल अन अकेडमी क्लैट को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको रोज़ नोटिफिकेशन आ जाए और आपका एक भी सेशन मिस ना हो. ठीक है, एंड वहाँ आप शेयर बटन भी देख सकते हो, प्लीज़ क्लिक ऑन इट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, शेयर अबाउट दिस क्लास विद मैक्सिमम पॉसिबल पीपल. हमें बहुत सारे लोगों तक पहुँचना है एंड ये क्लास शेयर करते रहना है. ये फ्री सेशन है जो सबके तक पहुँचाना ज़रूरी है, सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए. ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं चाहती हूँ आप लोग दो, और बोलो आप लोग दोगे या नहीं दोगे, जल्दी बोलो, येस मैम. हाँ ठीक है, तो ये शेयर बटन क्लिक करके आपके व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी सब जगह डाल दो. ठीक है, ओके. मीनवाइल आप लोग को थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन और अन अकेडमी के कुछ नए फ्री कोर्सेज, फ्री फीचर्स और पेड कोर्सेज और उनके सब्सक्रिप्शन के बारे में इन्फॉर्म करती हूँ. सो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, I'm a law graduate and a company secretary. I'm having 8+ years experience in teaching for various law entrance exams. I was earlier associated with Amis Learning Resources. I'm still associated with CS and Cost Accountant Institute, where I teach law subjects to CS and Cost Accountant students.
And I really love interacting with all the lovely students like you and sharing my knowledge. That's me, guys. What are we doing today? We are doing newspaper analysis today. Okay? An Academy, ये जो आप लोग लोगो देख पा रहे हो क्लैट के ऊपर, ये जो प्लेटफॉर्म है गाइस, ट्रस्ट माई वर्ड, सीरियसली यू कैन ट्रस्ट मी, अमेजिंग प्लेटफॉर्म, मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म. हर तरीके से इतना सिस्टमैटिक वे में ये प्लेटफॉर्म काम करता है. तो ये प्लेटफॉर्म जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री ऐप है, डाउनलोड कीजिए अन एकेडमी लर्निंग ऐप आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर, ठीक है? देन स्टार्ट यूजिंग इट. उसको यूज़ करने के लिए स्टार्ट करोगे तो आपको फ्री फीचर्स भी देखने को मिलेंगे और पेड भी. तो फ्री फीचर्स पहले अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड पूछेंगे. यू कैन यूज़ माई कोड निधि लाइव, ठीक है? ये कोड यूज़ कर लीजिए, फ्री फीचर्स भी एक्सपीरियंस कीजिए, कैसा लग रहा है आपको प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस, और फिर आप सोच सकते हो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं. अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये दो टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, प्लस एक बेसिक टाइप का सब्सक्रिप्शन है और उससे अपग्रेडेड वन आइकॉनिक है, जिसमें ये एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे आइकॉनिक में. आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस ऑन स्क्रीन. ओके, वन ऑन वन मेंटर सेशंस इन लोग के पास से मिलेंगे. ये सारे हैं बेनिफिट्स ऑफ लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम. लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम लोगे तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. और ये जो सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं फिलहाल ये हैं. इसके ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड निधि लाइव यूज़ कर लो, ठीक है? दूसरा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, ठीक है? तो 27th of February 3 बजे का ये होगा. 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स मैं आपको सॉल्व करने हैं. अन एकेडमी क्लैट कॉम्बैट हम इसे बोलते हैं. इसमें अब 1 करोड़ का हमने पूल रखा है, मतलब कितने सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप हम दे सकते हैं. सो विन स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड्स टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर क्लैट एग्ज़ाम 2022. 2022 क्लैट एग्ज़ाम में स्कॉलरशिप, अगर आप इसमें जीतोगे तो आपको स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स मिलेंगे. जो फर्स्ट टू थ्री थर्ड रैंक होल्डर होंगे उनको 100% स्कॉलरशिप प्लस गूगल मीनी, ये दोनों मिलेगा. जो फोर्थ टू टेंथ रैंकर होल्डर होंगे उनको 75% स्कॉलरशिप मिलेगा और JBL हेडफोन्स मिलेंगे. 11th to 50th रैंक होल्डर होंगे उनको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा और बोट का स्मार्ट वॉच मिलेगा. और 25% स्कॉलरशिप मिलेगा रैंक 51 to 100 स्कॉलरशिप वाले को, मतलब रैंक होल्डर्स को 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा और कुछ अमेजोन वाउचर्स साथ में मिलेंगे. इन सब के लिए एनरोल करना है तो यूज़ माई कोड निधि लाइव. एक कोड याद रख लो फ्री फीचर्स के लिए, ये भी फ्री फीचर ही है, सभी लोग इसके देख सकते हैं. तो निधि लाइव कोड यूज़ कर लो. सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी निधि लाइव कोड यूज़ कर लो, फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है? ये सारे बैचेस आप अटेंड कर सकते हो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद. सो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये हफ्ते ये बैचेस चालू हो रहे हैं. ये है 3 मंथ्स का NLSIU बैच. फिर माइटी लीगल क्रैश कोर्स हो रहा है, ठीक है? ये भी 3 महीने का क्रैश कोर्स होगा जो 23rd February से स्टार्ट होगा. देन ये भी 23rd से रैंक बूस्टर बैच, ठीक है? सो ये सारे एडुकेटर्स आपका अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे. देन 18 तारीख से लेट्स क्रैक क्लैट चालू हो रहा है, ठीक है? वो अटेंड कीजिए. तो 18 तारीख से 2 बैच और 23 तारीख से, सॉरी 21 से 23 से 2, और 18 तो ऑलरेडी हो चुका है तो वो चालू हो चुका है ये बैच. एक गेस्ट सेशन हो रहा है 19th को, हो चुका है ये, आई होप आप लोग ने अटेंड किया था. और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, आई एम सॉरी, कल का टेस्ट कैंसिल हो गया था गाइस, कुछ प्रॉब्लम्स थी. 26th February को स्लैट मॉक टेस्ट हो रहा है, ज़रूर दीजिए. अच्छा, मेरी दो कौन सी फ्री क्लास आज हो रही है, मैं इधर अपडेट नहीं किया है मैंने, बट करंट अफेयर्स क्विज एंड लीगल रीजनिंग क्विज, अगेन आई एम टेकिंग दीज टू टॉपिक स्पेशल क्लासेस टुडे. क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस टेस्ट कैलेंडर है. ये सारी प्रैक्टिस टेस्ट इस तरीके से कीजिए, ठीक है? और ये सारे फ्री फीचर्स, फ्री मॉक टेस्ट, क्विजेस, टेस्ट है, इसे ज़रूर दीजिए. प्रैक्टिस कर करके आप और परफेक्ट हो जाओगे. और
ये तो हो चुका है। ये अन अकेडमी क्लैट यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर करो, कमेंट करो कैसा लग रहा है हमारे वीडियोज़ में। और अन अकेडमी क्लैट इज़ नाउ ऑन टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर सकते हो सो दैट अन अकेडमी पे होने वाली सारी अपडेट आपको मिल जाएगी सर। तो ये सारी बात मैंने मेरी इंट्रोडक्शन और अन अकेडमी की की। अभी मैं बताऊँगी आपको क्या क्या आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। लॉट ऑफ कमेंट्स आई एम गेटिंग, आई विल क्विकली आंसर देम। हाय दीपांशु, मातरु, गुड मॉर्निंग, चारू, पूर्वा, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। वापस आज थ्रोट इश्यू हो रहा है बिकॉज कल थोड़ा सिविल वर्क चल रहा था घर में, तो बहुत मिट्टी उड़ी मुझे, तो मेरा गला इसलिए अफेक्ट हुआ है। हाय वेरी गुड मॉर्निंग उर्वशी। उर्वशी सिंह, मैम हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? यस बेटा डेफिनेटली ज़रूरी है। गुरफरान सिंह, डीयू में क्लैट नहीं होता है? नहीं बेटा, क्लैट नेशनल लॉ एंट्रेंस के लिए, डीयू की खुद की, डीयू एलएलबी की एंट्रेंस टेस्ट अलग है। नहीं, डीयू एलएलबी गुफरान अलग है। सारे के सारे उर्वशी हिंदुस्तान टाइम से नहीं होता है, सो बेसिकली आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी आप चाहो, पर कोई भी एक ही न्यूज़पेपर पढ़ो, सारे पढ़ने मत जाओ, आपके पास उतना ज़्यादा टाइम भी होता नहीं है और आपके दूसरे सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन है, सो आप एक न्यूज़पेपर चेक कर सकते हो। मुझे द हिंदू बेटर लगता है, और नॉट नेसेसरी हमेशा हिंदुस्तान टाइम्स से, कभी द हिंदू से, और सारे के सारे आर्टिकल भी हिंदुस्तान टाइम्स से ही नहीं आते हैं, कुछ द हिंदू से, कुछ इंडियन एक्सप्रेस से, कुछ हिंदुस्तान टाइम्स से भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल एक टाइम पे एक ही न्यूज़पेपर फॉलो करना इज़ एडवाइजेबल। एंड आप डेफिनेटली एक, अभी एनालिसिस मैं इसका करवा रही हूँ, तो आप ये फॉलो कर सकते हो, और आपको खुद से पढ़ना नहीं है, मैं इधर खुद पढ़ा देती हूँ पूरा का पूरा, आपको खुद से फिर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उर्वशी, उर्वशी सिंह, हमने सब्सक्रिप्शन लिया है अनाडी में, उसका बेनिफिट बताइए प्लीज़, क्या क्या देख सकते हैं और स्लैट में भी हेल्प कर सकता है क्या? नहीं तो यस डेफिनेटली स्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी रिसेंटली एक बैच चालू हुआ था, वो अटेंड कीजिए, और सब्सक्रिप्शन लेने से तो आप बहुत सारी पेड क्विजेज, मॉक टेस्ट, पेड क्लासेस, पूरा सिस्टमैटिक वे में सिलेबस कंप्लीट करने का फोकस रखे उसमें। हाय सदाफ, मातरु, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी एनालिसिस आज के न्यूज़पेपर का, ठीक है? तो 65% पोलिंग हुआ है पंजाब में आज एंड कल के दिन, एंड 60% यूपी में थर्ड फेज में, तो दैट्स नॉट बैड, मतलब ठीक है, 100% तो नहीं है टर्न अप है, बट 60% जितना और 65% जितना पंजाब यूपी में हुआ है, पंजाब टर्नआउट डाउन बाय अराउंड 12% फ्रॉम 2017 फिगर, बट अगर लास्ट ईयर के फिगर, लास्ट इलेक्शंस के 2017 के फिगर्स देखे, तो उससे 12% जितना कम है वोटिंग, पोलिंग ये साल, तो ऐसी सिनारियो है। हालांकि ये न्यूज़ हमें एग्ज़ाम के लिए कुछ काम नहीं लगेगी, बट डेफिनेटली सिंस इलेक्शंस चल रहे हैं, हम लोग ये न्यूज़ ध्यान में रख लेंगे, एग्ज़ाम के लिए कुछ लिखना विखना नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज TRS चीफ मीट्स ठाकरे पवार। सो TRS चीफ और ठाकरे पवार, ये लोग सारे लोग मिले हैं, ओके? तो बेसिकली राव पुशेस और कंसा फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड एंटी बीजेपी फ्रंट। सो एंटी बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ की जितनी भी पार्टीज हैं अभी इतने स्ट्रांग हो चुकी है बीजेपी के 2 साल से इलेक्शन जीत रही है, ऑलमोस्ट 10 साल कंप्लीट करेगी अपने टर्म के, तो ऐसे हालत में उनको लग रहा है हम लोग अगर सारे एकजुट हो गए बीजेपी के खिलाफ नहीं आए तो उनको हरा ही नहीं सकेंगे कभी, तो वो चक्कर में वो लोग सारे एक साथ आ चुके हैं, बट सारे के सारे करप्ट वंस हमें पता है अच्छे से, सो कुछ भी कर ले मुझे नहीं लगता है बीजेपी को गिरा पाएंगे, देखते हैं। सो दिस इज़ वॉट हैपेंड, पॉलिटिकल न्यूज़ अगेन, एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं, इसलिए नहीं देखेंगे आगे डिटेल में।
दिस इज इम्पोर्टेंट, ये स्टार मार्क कर रही हूँ, ये लिखना होगा न्यूज़। पुटिन एंड मैक्रॉन, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन और इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के प्रेसिडेंट, दे हैव अग्रीड येस्टरडे ऑन संडे टू वर्क फॉर सीज फायर इन ईस्ट यूक्रेन। उन्होंने अभी डिसाइड किया है, नॉट डिसाइड बट दे आर वर्किंग टू अग्री अपॉन सीज फायर इन ईस्टर्न यूक्रेन। तो फ्रांस अग्री करवाना चाहता है पुटिन के से, आई मीन रशिया से, कि वो लोग यूक्रेन में बिल्कुल भी फायरिंग कुछ नहीं करेंगे, सीज फायर का अग्रीमेंट करवा रहे हैं। फ्रेंच एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स आर गोइंग टू मीट सून, लाइक दे आर सेट टू मीट। एंड वैसे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं वॉर नहीं होगा, इंडिया ने तो बोल अपनी फ्लाइट्स भी एयर इंडिया की शेड्यूल की है टूवर्ड्स यूक्रेन, बट यूएस नाटो ने बोला था कि नहीं नहीं वॉर लाइक सिचुएशन, अपने मेंबर्स अपने एम्बेसी के स्टाफ लोगों को बुला लिया वापस। तो अभी इंडिया को भी ऐसा ही लग रहा है कि नहीं कुछ भी हो सकता है। तो फैमिली मेंबर्स ऑफ इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स इन यूक्रेन कैपिटल कीव हैव बीन आस्क्ड टू रिटर्न टू इंडिया, इनफॉर्म्ड सोर्सेस टोल्ड द हिंदू। बट अंदर की बात यह है कि यूक्रेन में, इनकी कैपिटल कीव में जो भी इंडियन एम्बेसी के फैमिली मेंबर्स हैं उनको बोला है कि तुम लोग वापस इंडिया आ जाओ। दिस शोज़ कि इंडिया को भी कहीं ना कहीं खबर मिली है अभी कि खतरा बहुत बड़ा है, कभी भी रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, दिस इज़ अ बिग बिग न्यूज़ गाइस, स्टार मार्क कर रही हूँ मैं। केरला की गवर्नमेंट, भले ये भी दूसरी टर्म आ गई है पीडीएफ गवर्नमेंट, बट कहीं ना कहीं काफ़ी गफले में लग रही है, क्योंकि उनको चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को निकाल दो, ऑफकोर्स खुद के फ़ायदे के लिए। वो बोल रहे कि गवर्नर्स होने ही नहीं चाहिए स्टेट में, क्यों, क्योंकि वो लोग इंटरफेयर करते हैं ना, चीफ मिनिस्टर को वो पसंद नहीं है। तो केरला गवर्नमेंट बोल रही है कि अलाउ रिमूवल ऑफ गवर्नर, वी शुड जस्ट रिमूव ऑल दी गवर्नर्स फ्रॉम द स्टेट। ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, इसका अबॉलिशमेंट ही हो जाना चाहिए। CPIM रिपीटेडली ये डिमांड कर रही है, तो दिस इज़ बिग थिंग। CPIM वॉक्स इन टाइट रोप इन गवर्नर रो, सो गवर्नर के साथ उनका भी क्लैश है कहीं ना कहीं, तमिलनाडु में भी क्लैश है, ममता बनर्जी का भी क्लैश है, महाराष्ट्र में भी ऐसा सिचुएशन है। तो ये तो बोलते हैं केरला गवर्नमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही हटा दो, गवर्नर्स होने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज अ बिग बिग थिंग दे आर डिमांडिंग। स्टार मार्क, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर को चेंज करने की बात कर रही है। हाय देवांग, गुड मॉर्निंग। दीपांशु सिंह वापस आ जाओ, किधर वापस आ जाओ बेटा दीपांशु, क्या किसकी बात कर रहे हो। हाय आंचल, वेरी गुड मॉर्निंग। चारु शर्मा सिंह, मैम वो छोटी सी बच्ची कौन थी बता दो। चारु आपने अटेंड किया था क्या, आपको कैसे पता कौन छोटी सी बच्ची, आप क्या आते हो स्पेशल क्लासेस में। बेटा वो मेरी बहन की बेटी है, मेरी रियल सिस्टर की डॉटर, मेरी नीस है। यस गुफरान, मैं जूम कर लूँगी। सो देवांग इज आस्किंग, मैम 25th के बाद आप हिंदू भी सेशन भी नहीं होगी या फिर सिर्फ आपके क्लासेस मिस होगी। तो गाइस अच्छा हुआ देवांग ने ये टॉपिक छेड़ा, मैं आज बताने ही वाली थी। सो यस 24th को नाइट को आई एम ट्रैवलिंग, तो 25th से मैं नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ। लास्ट दिसंबर में मैं जब भी आउट ऑफ स्टेशन गई, आई मेड श्योर कि मैं सेशंस लूँ, मैंने एक भी सेशंस आपके मिस नहीं करवाए हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का सेशन मैं ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में कैसे भी हो ले लेती हूँ, जहाँ पॉसिबल हो ले लेती हूँ। मैं गुजरात जब भी गई थी दिसंबर में, तभी भी मिस नहीं करवाए थे मैं, वो तो ले ही लेती थी, भले थोड़ा लेट लेती थी बट ले लेती थी।
ये टाइम ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज आई विल बी कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो मैं कार वगैरह में तो कैसे लूँगी या ट्रेन्स में कैसे लूँगी. ऑफकोर्स नेटवर्क का बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है तो उसमें और आवाज़ और कुछ सेपरेट रूम मुझे नहीं मिल सकती है. तो डेफिनेटली ये बार की ट्रिप में गाइज आई एम सो सॉरी नहीं हो पाएगा. ठीक है तो 24th नाइट को मैं जा रही हूँ. तो 25th 26th 27th 28th और फर्स्ट इतने दिन 25th 26th और बीच में एक तो संडे आ रहा है. मुझे लग रहा है 28th को ही संडे है. तो 25th 26th 27th और फर्स्ट 4 दिन के आपके सेशंस मिस होंगे. फर्स्ट वैसे भी संडे तो मैं नहीं लेती हूँ. तो 4 डेज आपको मैनेज करना होगा. फिर सेकेंड से मैं सेशंस लेने लगूँगी. आई विल बी बैक एंड मैं वापस सेशन ले लूँगी. तो इतने दिन आपके सेशंस मिस होंगे गाइस. आई एम सो सॉरी. तो देवांग ये बार नहीं ले पाऊँगी कोई भी सेशंस. मैं लैपटॉप ही कैरी नहीं करूँगी बिकॉज पॉसिबल ही नहीं होगा ये बार. राय चारू राइट दीपांशु. गुफरान में 2nd को वापस आ जाऊंगी. बेटा मैं न्यूज़पेपर आप लोग को शेयर कर लूँगी ऐसा है तो. बट मार्किंग के साथ आई एम नॉट कैरिंग द लैपटॉप. तो वो फ़ोन में फैसिलिटी नहीं है बेटा मार्किंग की. तो मैं मार्किंग के साथ नहीं भेज पाऊँगी. बट मैं न्यूज़पेपर चाहो तो फ़ोन से शेयर कर सकती हूँ. बट लैपटॉप चाहिए मुझे मार्किंग करने के लिए भी. तो लैपटॉप मैं नहीं कैरी कर रही हूँ बेटा. मैं ट्राई करूँगी मेरे फ़ोन में हो रहा है तो उससे हो पाएगी. तो मैं सिर्फ टिक मार्क भले ऐसे ही ग्रीन में हाईलाइट वगैरह ना हो मैं टिक मार्क कर सकती हूँ ऐसा कुछ हो रहा है तो वैसे करके आपको भेज दिया करूँगी. आई विल मेक श्योर दैट. शौतो इज आस्किंग हाउ टू प्रिपेयर 2021 करंट अफेयर्स फॉर 2022 क्लैट. बेटा सारे दिन रोज़ न्यूज़पेपर एनालिसिस करो अटेंड. न्यूज़पेपर से बेटर सोर्स तो कोई नहीं हो सकता करंट अफेयर्स अपडेट करने का. 60-65% तेरा काम उधर ही हो जाएगा. उसके अलावा एक स्पेशल क्लास फ्री क्लास लेती हूँ अन अकेडमी पे. सो आई टेक दिस फ्री क्लास ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म वेर यू कैन अटेंड दी करंट अफेयर्स क्विज रेगुलरली. क्विज का मतलब ये नहीं है कि यू मस्ट नो एवरी थिंग. क्विज इज फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड ईजिली इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट एंड मेकिंग यू रिमेंबर ईजिली. फॉर दैट पर्पज इट इज. सो करंट अफेयर्स क्विज. बाकी का करंट अफेयर्स उधर हो जाएगा. ये 2-3 चीज़ करोगे तो हो जाएगा. बट अभी तक तो बैकलॉग इतना हो जाएगा. शो तो यस आई विल ट्राई माई बेस्ट गुफरान. कूल देवांग टॉपिक. हाँ मैं टॉपिक से वैसे टिक मार्क जैसे हो रहा है अभी मैं फ़ोन में देखूंगी कैसा सिस्टम है. इधर लैपटॉप में डिफरेंट वे में होता है. अभी फ़ोन में मुझे चेक करना होगा. ये से एक डॉट या ऐसे टिक मार्क भी हो जाएगा तो भी आई थिंक आपका काम हो जाएगा. ठीक है चलिए अभी हम लोग एडिटोरियल करते हैं डिस्कस. दोनों ही एडिटोरियल आज के इम्पॉर्टेंट हैं. रीम इज रेगुलेटर. तो हम देख रहे हैं कि NSE का जो फियास्को हुआ है और एक सॉफ्टवेयर इश्यू हुआ था जिसमें एक्स NSE के MD का के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. और उसके भी पहले जो MD थे उनके भी इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुआ है. तो इस बारे में SEBI जो रेगुलेटर है स्टॉक एक्सचेंजेस का उनको क्या करना चाहिए उसकी बात हो रही है. पूरा अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ. ध्यान से समझिएगा. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्ज़ाम. ये साल का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट हॉट मामला हो जाएगा. ठीक है जिसके बारे में काफ़ी चांसेस है पूछेंगे. एंड नॉट जस्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू इवन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट होगा. सो लीगल रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़िएगा. तो देखिए क्या है ये इम्पॉर्टेंट कैसे है. आफ्टर NSE फियास्को
SEBI must reaffirm that it remains focused on protecting small investors. So, एंड इसी के फियास्को के बाद सेबी को भी रीअफर्म करना होगा कि वो फोकस रहे इन प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स. ओके, द सेबी अर्लियर दिस मंथ पास्ड अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर रिलेटिंग टू द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज NSE ऑफ इंडिया. तो सेबी ने अर्लियर दिस मंथ पास किया एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जिसमें NSE के रिलेटेड. एज द मार्केट्स रेगुलेटर whose primary mandate is to protect the interest of investors in securities. So SEBI के main motive तो ये होता है कि वो investors का protection करें, ठीक है, क्योंकि वो market regulator है, share market का regulation SEBI करती है, तो उसमें investors का right protect करने का काम उनको करना है. तो SEBI का जो ये 190 page का order था, it raises more question than it resolves. तो ये SEBI का इतना बड़ा जो ये order है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं रिजॉल्व होने के बजाय. सो इन पर्टिकुलर इट स्पॉटलाइट्स द रेगुलेटर्स टार्डीनेस इन एडजुडिकेटिंग अ सेंसिटिव मैटर इन्वॉल्विंग द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ टॉप लेवल NSE ऑफिशियल एज वेल एज पॉसिबल रेगुलेटरी वायोलेशंस बाय द देन CEO एंड MD चित्रा रामकृष्ण इन शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इन्फॉर्मेशन विद एन अननोन पर्सन. सो इन पर्टिकुलर ये स्पॉटलाइट करता है रेगुलेटर का टार्डीनेस इन एडजुडिकेटिंग अ सेंसिटिव मैटर इन्वॉल्विंग द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप लेवल NSE ऑफिशियल एंड जो भी रेगुलेटरी वायोलेशन हुए बाय CEO एंड MD चित्रा रामकृष्ण इन शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इन्फॉर्मेशन विद एन अननोन पर्सन. तो ये रेगुलेटर ये जो दिखा रहा है, ये अभी जो हुआ है सिनारियो, ये दिखा रहा है कि सेबी कितना परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है एंड उनका टार्डीनेस एक डिले किया है उन्होंने एडजुडिकेटिंग द सेंसिटिव मैटर. ये जो इतना सेंसिटिव मैटर था उसको एडजुडिकेट डिसीजन लाने में इतना उन्होंने टाइम लगा दिया. जैसे कि टॉप लेवल NSE ऑफिशियल तुम अपॉइंट कर रहे हो तो वो ध्यान रख के अपॉइंट करना चाहिए, और रेगुलेटरी वायलेशन वो CEO और MD चित्रा रामकृष्ण कर रही थी और कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी अननोन पर्सन के साथ, तो इसके बारे में भी रेगुलेशन टाइट होने चाहिए थे. बाय सेबीज ओन एडमिशन द फर्स्ट कंप्लेंट अलार्जिंग इन द गवर्नेंस इश्यूज इन द NSE's April 2013 अपॉइंटमेंट ऑफ आनंद सुब्रमण्यम एज चीफ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर वॉज रिवाइज इन December 2015. ओके, तो सेबी के खुद के एडमिशन के हिसाब से सेबी ने खुद ने एडमिट किया है. द फर्स्ट कंप्लेंट इसके बारे में जो गवर्नेंस इश्यू के बारे में आई थी NSE के, वो अप्रैल 2013 में आई थी जब ही अपॉइंटमेंट ऑफ आनंद सुब्रमण्यम हुआ था एज चीफ स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र, तभी प्रॉब्लम गवर्नेंस में दिखी थी और गवर्नेंस इश्यू तब से चालू हुए थे और वो रिसीव पब्लिक के पास से डिसम्बर 2015 में हुई थी. ब्रोकर्स ने कंप्लेन तभी की थी. आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ ई मेल्स ऑन द इश्यू बिटवीन द रेगुलेटर एंड द NSE इन 2016, सेबी टास्क द एक्सचेंजेस बोर्ड विद डिटरमाइनिंग इफ देयर हैड बीन वायलेशंस ऑफ द नॉर्म्स. इसमें ई मेल्स कुछ एक्सचेंज होने के बाद द इश्यू बिटवीन द रेगुलेटर एंड NSE इन 2016, सेबी ने टास्क किया एक्सचेंज बोर्ड विद डिटरमाइनिंग दैट देयर इफ देयर हैड बीन वायलेशन ऑफ नॉर्म्स. सो सेबी ने ट्राई किया कि NSE में क्या वायलेशंस हुए हैं यानी वो चेक करने का. इन November 2017 NSE सेंड बैक अ रिपोर्ट बाय द बोर्ड्स नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी. तो NSE के बोर्ड ने रिपोर्ट वापस भेजा November 2017 में उनके बोर्ड के नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी के, विच फ्लैग सेवरल इरेगुलरिटीज पर्टेनिंग टू his appointment including his lack of relevant expertise and that Ms. Ramakrishna alone had interviewed him. So nomination and remuneration committee ne jo bheja report usme kuch several irregularities bhi point out ki gayi thi, theek hai, jisme kisi ke appointment ke time lack of relevant expertise दिखा था, एक्सपीरियंस नहीं था वो बंदे को अपॉइंट किया गया था एंड सिर्फ रामकृष्णा में चित्रा रामकृष्णा ने ही उसका इंटरव्यू लिया था सिर्फ सेपरेटली बट इंटरकनेक्टेड.
SEBI had in the course of its probe into another matter at the NSE stumbled upon in 2018 documentary evidence pointing to Ms. Ramakrishna having been in email communication and sharing sensitive information with an unknown person. तो ये एक अपॉइंटमेंट के बारे में इरेगुलरिटी देखने को मिली, बराबर। फिर सेपरेटली बट इससे कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टेड वे में ही था, सेबी ने ये बारे में भी प्रोब किया, इन्वेस्टिगेशन किया एट द एनएससी, जिसमें 2018 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखे जिसमें पॉइंट आउट हो रहा था कि मिस रामकृष्णा ने कुछ ईमेल कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक अननोन पर्सन के साथ शेयर की है, ठीक है। तो एनएससी का कंक्लूजन, NSE's conclusion based on finding in a forensic audit by Ernst & Young that this unknown person was none other than Mr. Subramaniam was sent to SEBI in October 2018. फिर NSE ने अपने reports का conclusion के लिए findings किया और forensic audit करवाया ENY के पास, Ernst & Young के पास, एंड उसमें दिखा कि अननोन पर्सन और कोई नहीं मिस्टर सुब्रमण्यम चित्रा रामकृष्ण के, सॉरी मिस्टर सुब्रमण्यम थे चित्रा रामकृष्ण के पहले जो 2013 वाले ये थे, 2013 में जब ये चालू हुआ था, मैंने दिखाया ना आपको इधर रामकृष्ण आनंद सुब्रमण्यम अप्रैल 2013 में जिसको अपॉइंट किया गया था एज अ चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र, उनके साथ ही ये शेयर कर रही थी इन्फॉर्मेशन। And yet it took the regulator a further 40 months. अभी ये October 2018 में ही ENY ने तो ये submit कर दिया था कि चित्रा रामकृष्ण मिस्टर सुब्रमण्यम को share कर रही थी information secretly. फिर भी regulator को SEBI को 40 months लग गए, कितने months? 3 साल से भी ज़्यादा, to inexplicably conclude that the unknown person ostensibly guiding Miss Ramakrishna was unlikely to be Mr. Subramaniam, the biggest beneficiary of the guidance by getting promoted as group operating officer and receiving annual pay increases that vaulted his annual compensation of to 4.21 crore by April 2016 from 1.68 crore in April 2013. So, ये report आ जाने के बाद भी 40 महीने लगे सेबी को कंक्लूड करने के लिए कि ये जो अननोन पर्सन है, मतलब मिस्टर सुब्रमण्यम जो गाइड कर रहे थे मिस रामकृष्णा को, जो अननोन पर्सन थे ओस्टेंसिबली जो मिस रामकृष्णा को चित्रा रामकृष्णा को गाइड कर रहे थे वॉज अनलाइकली टू बी मिस्टर सुब्रमण्यम, वो लग नहीं रहे थे कि वो मिस्टर सुब्रमण्यम होंगे, ये कंक्लूड करने में उनको 40 महीने लगे। तो वो सुब्रमण्यम नहीं थे ऐसा उनको कंक्लूड किया है अभी, तो जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहे हैं वैसे ये गाइडेंस के वजह से उनको प्रमोशन मिला ग्रुप ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का, एंड जिससे उनका पे 1.68 करोड़ के बजाय 4.21 करोड़ हो गया उनके एनुअल कंपनसेशन के साथ को मिला के, जो अप्रैल 2013 में 1.68 करोड़ था वो अप्रैल 2016 में 4.21 करोड़ हो गया। तो सेबी एक्नोलॉजेस दैट इट वॉज हैंड स्ट्रक बाई द एनएससी डायलेटरी अप्रोच इन रिस्पॉन्डिंग टू इट्स मिसयूज। सेबी बोल रही है कि हमने 40 महीने इसलिए लगाए बिकॉज एनएससी कहीं ना कहीं अपना डायलेटरी अप्रोच अपना रही थी, एनएससी इतने अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रही थी चीज़ों को और हमें कॉपरेट नहीं कर रही थी। द बोर्ड ऑफ अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन चार्ज विद सेफ गार्डिंग ट्रस्ट ऑफ मिलियन ऑफ इन्वेस्टर्स डिस्ट्रेसिंगली फेल्ड टू exercise crucial oversight over the conduct of its CEO apart, SEBI too hardly covers itself in glory. तो हम ये बात करें तो SEBI NSE का बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड, मिलियन ऑफ यूनियन इन्वेस्टर जिस पे ट्रस्ट करते हैं उनको सेफ गार्ड नहीं कर पाए, तो अपने लाइक कंडक्ट ऑफ CEO को पे ध्यान रखने में, और सेबी भी कुछ खास नहीं कर पाई है एज सच, इसमें हम ऐसा बोलेंगे तो 2013 से गफला चल रहा था, 2021 में उसका सलूशन ये लोग ला रहे हैं कुछ, और वो भी डिसीजन कुछ इतना दमदार नहीं है। द रेगुलेटर स्पिल्स फार टू मच इंक इन ऑलमोस्ट
voyeuristically sharing the contents of the email exchanges between Miss Ramakrishna and her unknown guide, even as it concludes that it is unable to establish any specific loss caused to investors by the NSE and Miss Ramakrishna. तो regulator ने ink spill किया है, इसका मतलब है रायता फैला दिया है, मामला खराब कर दिया है काफ़ी, और इतना डीले किया है इन शेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ द ईमेल एक्सचेंजेस बिटवीन. तो मिस रामकृष्ण एंड अननोन गाइड, उनके उनके बीच में जो ईमेल एक्सचेंज थे उसका इन्वेस्टिगेशन भी इतने टाइम लगा दिया करने में, एंड फिर वो लोग कंक्लूड कर रहे हैं दैट इट इज़ अनेबल टू एस्टैब्लिश एनी स्पेसिफिक लॉस कॉज टू इन्वेस्टर्स. और फिर भी सैबी बोल रहा है कि मुझे, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉस इन्वेस्टर को इसके वजह से हुआ है. बाई द NSE एंड मिस रामकृष्ण, द बर्डन द ओनर्स इज नाउ ऑन सेबी टू री अफर्म दैट देर आर नो हॉली काउस. अभी सेबी को ही पे ये बर्डन है टू प्रूव कि कोई हॉली काउस नहीं है इन इट्स रेगुलेटरी रेजिम एंड दैट इट रिमेन्स लेजर फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स. तो सेबी का ही पे ही बर्डन है ऑफ प्रूविंग दैट हम बेस्ट ट्राई करेंगे हमारे थ्रू सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स के राइट प्रोटेक्ट हो, उनके राइट्स वायलेट ना हो. तो ये चीज़ पूरा था, आई होप आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आया. तो बेसिकली इतने टाइम के से ये जो इश्यू चल रहा था वो भी अभी तक इतने अच्छे से कुछ कंक्लूड नहीं कर पाए हैं सेबी. ठीक है, नो चारू शर्मा, डेफिनेटली नॉट. क्लैट का सिलेबस ऐसे नहीं कवर होता. नो ये हो गया हमारा एक एडिटोरियल, इम्पॉर्टेंट वन. नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं क्या है. ओके गाइज, मेरी बैटरी लो है, एक मिनट, मुझे चार्ज करना पड़ेगा लैपटॉप. नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं डिटेल में. अभी तो सेकेंड एडिटोरियल इज दिस, नो स्लैकिंग. इंडिया मस्ट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स बिसाइड्स रेगुलेटिंग एंटीबायोटिक यूज. तो इसके किसके बारे में मैं समझाती हूँ पूरा. ठीक है, सो इफ लैक ऑफ डेटा वॉज एन इम्पेडिमेंट टू रोल आउट एक्शन प्लान अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, now that excuse has been yanked off. अभी कहाँ construction work चल रहा है, I'm not sure guys. I'm sorry, इतना आवाज आ रहा है आपको. तो गुफरान इतना यूज होता है ना, लैपटॉप की बैटरी तो लो होगी ही ना बेटा, हमेशा थोड़ी लो रहती है कुछ भी. चलिए नेक्स्ट वन. सिर्फ लैक ऑफ डेटा वॉज एन इम्पेडिमेंट टू रोल आउट एक्शन प्लान अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, नाउ दैट एक्सक्यूज हैज़ बीन यैंक्ड ऑफ. तो अभी तक ऐसा था कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोब माइक्रोब्स जो होते हैं, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना है तो एक इम्पेडिमेंट था, एक ऑब्स्ट्रक्शन था ऑफ लैक ऑफ डेटा, कि हमारे पास डेटा इनफ नहीं है. बट वो अभी वो रुकावट जो है इम्पेडिमेंट वो हट चुका है, इट्स बीन यैंक्ड ऑफ. द रीसेंट पब्लिकेशन ऑफ द लैंसेट ग्लोबल बर्डन ऑफ बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एन एलैबोरेट एंड स्टडीड एस्टिमेट वैलिडेटेड बाय यूजिंग काउंटरफैक्चुअल एनालिसिस फॉर द फर्स्ट टाइम कम्स एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वीरी विद बैटलिंग कोविड 19 सीम्स टू हैव लॉस्ट स्टीम टू माउंट अ रोबस्ट AMR पॉलिसी. तो ये रीसेंट पब्लिकेशन जो है लैंसेट्स ग्लोबल बर्डन का आया है. तो लैंसेट का आया है जो ग्लोबल बर्डन है ऑफ बैक्टेरियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो बैक्टेरिया वाले जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में जो है करना है कुछ, वो ग्लोबल बर्डन है.
तो लैंसेट ने इसके बारे में कुछ स्टडी किया है, एक इलाबोरेट एंड स्टडीड एस्टिमेट है दिया है उसने वैलिडेट किया है बाय यूजिंग काउंट ऑफ एक्चुअल एनालिसिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो काउंट ऑफ एक्चुअल एनालिसिस पहली बार ला के इसके बारे में उन्होंने एक डिटेल स्टडी दी है, एलाबरेट स्टडी दी है। इट कम्स एट अ टाइम जब लोग थक चुके हैं COVID-19 से, ओके, एंड लोगों का स्टीम भी चला गया टू माउंट रोबस्ट AMR पॉलिसी, बट दैट इज एंटी माइक्रोबल पॉलिसी। बट द रिपोर्ट मेक्स इट क्लियर दैट नो स्लैकिंग कैन बी अलाउड ऑन दिस फ्रंट एनी लॉन्गर। बट अभी हमारे पास डेटा नहीं है करके कुछ कर नहीं रहे थे, ऐसा अभी कर नहीं सकते हैं। अच्छा खासा डेटा अवेलेबल है। तो इट एस्टिमेटेड दैट 4.95 मिलियन डेथ्स वर एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल AMR इन 2019 अलोन। सो बैक्टीरियल AMR के वजह से सिर्फ 4.95 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड में हुई थी, उन्होंने डेटा निकाला है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइड द pathogens and pathogen drug combination that cause such resistance। और ये जो antimicrobial resistance होता है लोग वो सह नहीं सकते हैं, तो उसकी जो pathogens है और pathogen drug combination है वो भी ढूंढ लिए उन्होंने कि जिसके वजह से ये problem होता है उनको। तो basically antibiotics कुछ लेके भी आप की death होती है इतने strong, क्योंकि वो लोग resistant होते हैं उससे। तो ऐसी इसके बारे में स्टडी करके अभी पूरा आ चुका है। सो बैक्टीरियल AMR अकर्स व्हेन द ड्रग्स यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस बिकम लेस इफेक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ द पैथोजेंस बिकमिंग रेजिस्टेंट टू द ड्रग्स। तो ड्रग रेजिस्टेंट मतलब आपको दवाई असर ही नहीं करती है। तो ऐसी जो लोगों को प्रॉब्लम होती है उसके बारे में ये बात हो रही है। तो दिस हैपेंस ड्यू टू, ये क्यों होती है, इट्स इज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो बहुत ही ज़्यादा तुम एंटीबायोटिक्स रोज़ छोटी छोटी बातों में लिया ही करो, देन यू बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, लाइक फिर आपको वो असर ही करना बंद हो जाती है, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर, पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन, एंटीबायोटिकल यूज़ इन द फार्मिंग एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री, लैक ऑफ वैक्सीन एंड न्यूअर एंटीबायोटिक्स एंड पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल्स, इन सब के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है AMR का, ठीक है। सो तुम्हें एंटीबायोटिक्स फिर असर ही नहीं करेगी तो फिर आप कोई भी बीमारी से बच नहीं पाओगे और मर जाओगे। सो 2019 में कितनी सारी डेथ्स उसके वजह से हुई हमने देखा अभी, राइट। सो नॉट, तो आराम से आपको ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मिल जाती है, पुअर हाइजीन सैनिटेशन होता है, पोल्ट्री और फार्मिंग में भी इसको बहुत यूज़ किया जाता है, वैक्सीन नहीं लिए जाते हैं, नई एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस करते ही रहता है, एंड पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस हॉस्पिटल में जो होता है, ये सब के कारण ही आप लोग रेजिस्टेंट बन जाते हैं एंटीबायोटिक्स से। वेल डेटा ऑन एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेथ्स माइट नॉट हैव बीन अवेलेबल, देयर वाज नो डाउट अबाउट द अलार्मिंग नेचर ऑफ एसोसिएटेड मॉर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी। सो भले डेटा अभी तक नहीं थे एग्जैक्ट, बट ये डेफिनेटली पता था और ये अलार्मिंग था कि इसकी वजह से डेथ्स काफ़ी हो रही है। एंड येट फ्यू नेशंस हैव अ पॉलिसी टू काउंटर दिस पर्निशियस प्रॉब्लम, एंड इसकी वजह से काफ़ी नेशन, थोड़े थोड़े नेशंस ऐसे हैं, एक फ्यू नेशंस जिसने इसके लिए कुछ पॉलिसी बनाई है। इन 2008 व्हेन द NDM1 एंजाइम दैट रेंडर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स वॉज ट्रेस्ड बैक टू इंडिया, इट सर्व्ड एज एन अर्जेंट कॉल फॉर एक्शन। इंडिया रिलीज इट्स ओन AMR एक्शन प्लान इन 2017 एंड अनाउंस्ड अ टास्क फोर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो 2008 में जब ये मामला हुआ था NDM1 एंजाइम का, जिसमें लोग रेजिस्टेंट हो गए थे, लोग वो दवाई की असर ही नहीं होती थी, इंडिया में ये प्रॉब्लम हुआ था, तो इसका अर्जेंट कॉल फॉर एक्शन लिया 2017 में, पूरा एक एक्शन प्लान बनाया और एक टास्क फोर्स बना दिया उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बाय 2019 केरला एंड मध्य प्रदेश हैड रोल्ड आउट स्टेट एक्शन प्लान्स। फिर 2019 में केरला और मध्य प्रदेश ने स्टेट लेवल पे भी एक्शन प्लान्स ले लिए। सिंस देन लिटिल प्रोग्रेस हैज इंश्योर्ड, उससे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होना चालू हुआ है। 11 अदर स्टेट्स
आर स्टिल फ्रेमिंग देयर एक्शन प्लान्स. 11 और स्टेट ट्राई कर रहे हैं उनका एक्शन प्लान्स अभी भी बना ही रहे हैं. द चेन्नई डिक्लेरेशन अ कंसोर्टियम ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट CMR वाज आल्सो फॉर्म्ड इन 2012 टू ड्रॉ अप अ रोड मैप. तो चेन्नई का एक डिक्लेरेशन, एक कंसोर्टियम है डॉक्टर्स का, उन्होंने ऑलरेडी इसके अगेंस्ट लाइक एक्शन रोड मैप बनाया था 2012 में. द बैन ऑन कॉल्स्टिन इन द पोल्ट्री एक्वा फार्मिंग एंड एनिमल फीड्स सप्लीमेंट सेक्टर्स विच इंडिया एनफोर्स्ड फ्रॉम जुलाई 2019 वॉज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक इन काउंटरिंग द AMR चैलेंज. तो लोग जो रेजिस्टेंस, दवाई की रेजिस्टेंस की वजह से मर जाते हैं, इसमें जो बैन लगाया कॉल्स्टिन पे पोल्ट्री में और एक्वा फार्मिंग में और एनिमल फीड्स में, ये 2019 से जुलाई से इंडिया ने लगा दिया. एक अच्छा अच्छा डिसीजन था. नो डाउट AMR ऑफर्स ह्यूमैनिटी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस दैट इट हैज़ फेस्ड. तो ह्यूमैनिटी के लिए प्रॉब्लम है, दवाई से भी तुम ठीक नहीं होते हो, तो एक बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा था ह्यूमैनिटी. ये ऑन पेपर मेरे हिसाब से ह्यूमन काइंड, ये एलोपैथी कितनी पुरानी होगी आप लोग सोच लीजिए. 100 साल, 200 साल पुरानी मैक्सिमम, मुझे नहीं लगता उतनी भी पुरानी है. सो, उसके पहले रा मतलब हमें बताई है, लाइक वी हैव अ हिस्ट्री इंडिया में ही कि हज़ारों लाखों साल के पहले भी ह्यूमंस थे, और उसके हमें म्यूजियम्स में चीज़ें भी देखने को मिलती है. तो डेफिनेटली लाखों साल पहले या हज़ारों साल पहले या कुछ 100 सालों पहले भी इंसान बीमार होता था और उनको एलोपैथी एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती थी, उनको आयुर्वेदी और 18th century में भी होम्योपैथी वगैरह दिया जाता था, राइट? जर्मनी में स्टार्ट हुआ था, तो ये नेचुरल फॉर्म ऑफ मेडिसिन दिया जाता था. तो ये मेडिसिन तभी असर करती थी, आज भी वो असर कर सकती हैं. ये एंटीबायोटिक्स से ही तुम रेजिस्टेंट होते हो. कभी सुना है आयुर्वेदिक दवाई से रेजिस्टेंट हो गए, होम्योपैथी से रेजिस्टेंट हो गए? तो दिस इज़ द थिंग. ओके, तो ऑफकोर्स ये दवाई ऐसी होती है कि उसकी लिमिटेशंस हैं. ओके, सो नो डाउट AMR ऑफर्स ह्यूमैनिटी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, बट मुझे नहीं लगता बिगेस्ट चैलेंज है. अगर वो असर नहीं कर रही है तो कुछ और भी असर कर सकता है नेचुरल तरीका. ठीक है, एक दवाई खा लो और मैं ठीक हो जाऊँगा तुरंत, मुझे कितना बुखार आ रहा है, मैं एक दवाई खा लो मैं ठीक हो जाऊँ, इतना फास्ट सोल्यूशन लोगों को चाहिए. इसीलिए प्रॉब्लम है, जड़ से निकालो हर चीज़ को, रूट से क्लियर करो, तभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा. But the recognition that solutions are not only in the realm of science is necessary. Scientific publications have established the correlation between AMR and poor hygiene, lax administrative governance and poor ratio of public-private expenditure. तो ये सब साइंस का ही मामला नहीं है, इसमें ये पुअर हाइजीन और पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब भी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से AMR है लोगों को. वेल, द साइंटिफिक कम्युनिटी लुक्स फॉर सॉल्यूशंस इन इट्स कैन. तो साइंटिफिक कम्युनिटी इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ रही है. गवर्नमेंट्स मस्ट रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर सिटीजंस. तो गवर्नमेंट को इसमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहिए, हाइजीन वगैरह लोगों का हो वो सब देखना चाहिए. ठीक है, एंड प्रोवाइड दम एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर. लोगों को हेल्थ केयर अच्छा मिले, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो, ऐसा देना चाहिए. बिसाइड रेगुलेटिंग द सेल एंड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, सिर्फ एंटीबायोटिक्स के यूज़ और सेल पे तुम रेगुलेशन लगा दो, इतना इनफ नहीं है. ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाने पर काम करना चाहिए. नॉट डूइंग सो इन स्टडी haste will only end up eroding the significant health care gains India has proactively and painfully at times secured over the years. तो basically सिर्फ इतना ही करते रहें तो इंडिया को जो पास्ट में पेन मिला है वैसा ही मिलेगा, लोग इतने ही मरते रहेंगे और इतना ही प्रॉब्लम होते रहेगा. तो ये भी एक सोल्यूशन है जो एडिटर ने अपने एडिटोरियल में ओपिनियन दिया है और बताया है कि ये भी एक सोल्यूशन है. ठीक है, तो ये हुए हमारे दो एडिटोरियल्स, मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है. आगे देखते हैं और कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. ठीक है, सो मिस्टर जयशंकर बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर को, FM को, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर को, आई एम सो सॉरी, जवाब दे रहे हैं किस चीज़ के लिए.
तो चाइना उनको फाइनेंस कर रही है कुछ चीज़ों में बांग्लादेश को। तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमिन ने पूछा है क्वाड को, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएस को, उनका एसोसिएशन है क्वाड उनको, इफ़ दे कैन ऑफर सेम काइंड ऑफ फाइनेंशियल एड, सेम काइंड ऑफ फाइनेंशियल एड हमें हेल्प दो जैसे चाइना दे रहा है, क्या ये पॉसिबल है? तो मिस्टर जयशंकर ने जवाब दिया है, रीथिंक इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, कि आपके जो प्रोजेक्ट्स इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है, उसको रीथिंक करो भाई, चाइना से हेल्प लेते समय भी। सो मिस्टर जयशंकर वही बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में, हमारे रीजन में बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो लार्ज डेट्स में जा रही है, कर्जा इतना बढ़ते जा रहा है कंट्रीज पे। वी हैव सीन प्रोजेक्ट्स विच आर कमर्शियली अनसस्टेनेबल, जो प्रोजेक्ट्स कमर्शियली अनसस्टेनेबल हैं उसमें भी पैसा डाल ही रही है और कंट्री पे बहुत डेट का बर्डन बढ़ते जा रहा है। एयरपोर्ट्स वेयर एन एयरक्राफ्ट डजन कम, हार्बर्स वेयर अ शिप डजन कम, ऐसे भी हार्बर्स एग्जिस्ट करते जहाँ शिप नहीं आती है, ऐसे भी एयरपोर्ट है जहाँ प्लेन्स ही नहीं आते, फिर भी उसको उस पर खर्चा किया ही जाता है। तो ऐसा रीजन में, साउथ ईस्ट रीजन में हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश श्रीलंका वगैरह में। तो मिस्टर एस जयशंकर जब ये पैसे की बात ये लोग ने की तो बोला इम्प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे आप लोग रीथिंक करो फिर ये बात करो। तो स्टार मार्क करी हुई ये लिखना है, ठीक है। देन फार्मर्स ने जैसे फार्म लॉस हटाने के लिए प्रोटेस्ट किया, न्यूज़ मीडिया जो है, मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जो आई हैं, तो एडिटर्स की गिल्ड ने मिलके उनके उसको भी विड्रॉ करो, हम नहीं मानेंगे ऐसा टाइप किया है। ऐसा बोला जा रहा है कि दीज रूल्स आर मेड विदाउट कंसल्टेशन, हमें कंसल्ट किए बिना तुमने रूल्स बनाए हैं, इसलिए हमें ये मंजूर नहीं है। तो ये स्टार मार्क कर रही हूँ, लिखना है। CBI examines NSE's former MD रवि नारायण इन कोलोकेशन केस। तो NSE की तो लग गई है अभी बराबर, CBSE सॉरी CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी NSE के फॉर्मर MD रवि नारायण की भी सर्च में लगे हैं। लुकआउट सर्कुलर्स इश्यूड अगेंस्ट हिम, उनके अगेंस्ट कौन से सर्कुलर इश्यू हुए थे? आनंद सुब्रमण्यम के और एडवाइजर टू द फॉर्म के, उन सबके अगेंस्ट क्या क्या इन सर्कुलर्स आए थे वो देखने हैं, ठीक है। और ये मैंने जो हाईलाइटेड पार्ट भी इसमें हाईलाइट किया हुआ है, पूरा लिखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। तो NSE में बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ब्रोकर्स के साथ, नॉर्मल पब्लिक के साथ जो गलत हुआ है उसके बारे में, ये ध्यान में रखियो। फॉरेन न्यूज़ में आज क्या क्या इम्पॉर्टेंट है देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज रशिया बेलारूस एक्सटेंड मिलिट्री डील्स। एक साइड रशिया बोल रहा है कि नहीं नहीं हम तो पीस चाहते हैं, हम तो यूक्रेन में इन्वेड करने ही नहीं वाले, और एक सा जगह पे बेलारूस के साथ उनकी मिलिट्री ड्रिल्स अभी भी ख़त्म हुई थी, वापस तो ट्रूप लेके जा रहे थे, अभी बोल रहे अभी दूसरी मिलिट्री ड्रिल हमने एक्सटेंड कर ली, हम लोग करेंगे। नाटो बोल रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि रशिया ने ना 30,000 और ट्रूप्स बेलारूस में अपने स्टेशन किए हैं एंड उसको यूक्रेन में इन्वेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो रशिया कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ रहा है इन्वेजन की तरफ, भले वो बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अचानक से कभी कर लेंगे पता नहीं चलेगा। तो ये स्टार मार्क कर रही हूँ, सारे लोग अपने रिलेटिव वगैरह जो यूक्रेन में बुला लो वापस इंडिया, वॉर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। रशिया इज़ वेरी पावरफुल डिफेंस सिस्टम, उनके पास पूरा सॉलिड मिलिट्री है बड़ी। नेक्स्ट वन, नेपाल पुलिस फायर टीयर गैस एज MPs डिबेट US ग्रांट। तो US का ग्रांट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके ऊपर डिबेट चल रही है, तो नेपाल उसमें हंगामा हो गया, तो उसमें नेपाल पुलिस ने टीयर गैस फायर कर दिया सबके, सबको चुप करवाने के लिए। मैनी सी दिस MCC पार्ट, ये जो MCC हो रहा है मिलेनियम चैलेंज कॉपरेशन US के साथ, ये कंट्री की सोवेरनिटी के लिए एक थ्रेट है, ऐसा काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं। तो ये भी स्टार मार्क करियो लिखना है।
एंड या बिजनेस और स्पोर्ट्स न्यूज़ से कुछ नहीं खास आज, तो आज के दिन की ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कर ली मैंने कवर, ठीक है। गुफरान बोल रहा है मैम को याद नहीं रहता है, तो बेटा मुझे 10 और काम होते हैं, मैं सिर्फ ये काम नहीं करती हूँ, मतलब इतने काम है तो कुछ बैटरी का याद नहीं रहता बेटा। यस तोप नहीं है वो, वेसल्स है उनके वॉर के लिए, बोलो ना चारू। दीपांशु मैं अगेन गुजरात ही जा रही हूँ, जूनागढ़ जा रही हूँ, जूनागढ़। ओके चलिए, चारू जितनी भी न्यूज़, सारी हाईलाइटेड वाली नहीं, जितने भी न्यूज़ के बाजू में मैं स्टार मार्क करती हूँ वो वाली न्यूज़ में जितना अंडरलाइन या हाईलाइटेड पार्ट होता है वो लिखना होता है, समझ गया। और आज 2 स्पेशल क्लास होगी इवनिंग में, 8:30 to 9:30, 9:30 to 10:30, लीगल रीजनिंग क्विज और करंट अफेयर्स क्विज, आ जाइयो ठीक है। बाय गाइस, बाय आदिति।